मेरा नाम अशोक और आप देख रहे हैं माई बिगेस्ट क्लासेस चैनल को। आज है 13 अप्रैल, तो देखते हैं हम मुख्य करंट अफेयर आज की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गूगल ने कौन सा नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, गूगल ने नया क्लाउड प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया वो है एथोन्स। इससे क्या होगा, इसके माध्यम से आप दुनिया में कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन इसके माध्यम से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा एथोन्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले वोटर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है रूस के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO द्वारा जारी दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है। देखिए दोस्तों, WHO ने 15 दुनिया के 15 देशों शहरों के एक रिपोर्ट जारी की है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, जिसमें 15 में से 14 इंडिया के हैं और इन 14 में से 4 यूपी के हैं। तो पहले नंबर पे है कानपुर और तीसरे नंबर पे है बनारस। अच्छा, ये रिपोर्ट WHO ने पॉलिटिकल लीडर पोजिशन एंड एक्शन एंड एयर क्वालिटी इन इंडिया के तहत भारत में जारी की है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन ने पहला वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल लगाया है। तो दोस्तों इसे लगाया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जितने भी यात्री या जितने भी कर्मचारी स्टेशन पे हैं उनका पता है लगाया जा सकेगा कि किसी को कोरोना तो नहीं है, तो कोरोना की जांच करने के लिए इसको लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम 11 का भी गठन किया है कोरोना से लड़ने के लिए। तो अब अन्नपूर्णा का मतलब यह है कि खाने की कमी किसी को ना हो, और आपूर्ति मित्र पोर्टल का मतलब है कि लोगों को खाद्य पदार्थों की डिलीवरी दी जा सके टाइम से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। दुनिया के ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें व्हाइट हाउस के द्वारा ट्विटर पर फॉलो किया गया है। तो वो नेता हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं नरेंद्र मोदी जिनके ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं। इनसे पहले कौन थे, बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, COVID-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों भारत सरकार ने ऐप लॉन्च किया है आरोग्य सेतु। देखिए, आरोग्य सेतु अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप लोग भी इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये कोरोना से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी देता है। ठीक है, तो कौन सा ऐप है, आरोग्य सेतु। किस देश ने कोरोना की वजह से 1 महीने के लिए आपातकाल लगा दिया है। तो दोस्तों ये आपातकाल लगा दिया है जापान ने। ठीक है दोस्तों, 1 महीने के लिए आपातकाल। हाल ही में जॉन पिराइन का कोरोना महामारी के चलते निधन हो गया, वह कौन थे। देखिए, जॉन पिराइन जो थे अमेरिका के गायक थे, जिनका कुछ दिन पहले अभी कोरोना के चलते निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के एजुकेशन बोर्ड ने घर से ही 10वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिका को चेक करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये किया हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के एजुकेशन बोर्ड ने घोषणा की है कि वो 10वीं की बोर्ड की कापियाँ घर से ही चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की करंट अफेयर के मुख्य क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।